एलडीसी डिपार्टमेंट में एसीबी कार्रवाई में बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आया है। नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए एसीबी बुलाएगी। आईएएस नीरज के पवन, एमडी प्रदीप कवड़े समेत 9 लोग नामजद है। एसीबी 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आरएसएलडीसी मामले में, ये बड़ा अपडेट फिलहाल आप देख रहे हैं। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या और जानकारी फिलहाल खबर पर? देखिए, ये कार्रवाई की गई थी, उसके बाद में अब एसीपी की जो जांच है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। जो जांच अधिकारी हैं एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर, उनके नेतृत्व में जो पूरी टीम है अब अपनी जांच को पूरी तरीके से फील्ड में तमाम ऑफिसर भेजे गए हैं। संबंधित इससे जो दस्तावेज हैं वो जुटाए जा रहे हैं और जो नामजद किया गया है, इसमें प्रमुख तौर पर गंभीर बात यह है कि डिपार्टमेंट के 2 प्रमुख जो आईएएस अधिकारी हैं उन दोनों को ही नामजद किया गया है। साथ में अन्य जो संबंधित व्यक्ति है डिपार्टमेंट से, और पूरी की पूरी जो डील थी तकरीबन 1.5 करोड़ का बिल बकाया था, और ये सिर्फ एक शिकायत थी जो सामने निकल के आई थी। लेकिन ठीक जिस दिन कार्रवाई की गई उस दिन तकरीबन 9 अधिकारियों के जो ऑफिस थे उनको सीज कर दिया गया था, और उसके बाद में परसों एसीबी ने वहां से दस्तावेज खंगाले हैं। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि एसीबी को कुछ जो पुख्ता जो साक्ष्य हैं वो हासिल हुए हैं, जिनके आधार पर इन सभी को नोटिस दिया जाएगा और एसीबी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अगर इनकी लिप्तता पाई जाती है तो ये संभव है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो, और ये अपने में बेहद गंभीर बात होगी कि डिपार्टमेंट के अगर ब्यूरोक्रेसी के जो चेहरे हैं वो दोनों, इनकी अगर गिरफ्तारी होती है, इनकी लिप्तता पाई जाती है तो बेहद गंभीर बात होगी डिपार्टमेंट के लिए और राज्य सरकार के लिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आशुतोष शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट आरएसएलडीसी डिपार्टमेंट में कार्रवाई पर आप देख रहे हैं। नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए फिलहाल एसीबी बुलाई गई।